दोस्तों आज भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जा चुका है और दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और वहीं दोस्तों जब इसके बाद भारतीय टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि दोस्तों पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड मार दिया था और रोहित शर्मा अपना खाता नहीं खोल पाए थे। और वही दोस्तों इसके बाद 6 रन के स्कोर पर एक बार फिर से शाहीन अफरीदी ने केएल राहुल को भी आउट कर दिया था और केएल राहुल 3 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने उतरे सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको भी 31 रन के स्कोर पर हसन अली ने आउट कर दिया और सूर्य कुमार 11 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच हमें काफी तगड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती झटके लगने के बाद भारतीय टीम की पारी को काफी बढ़िया तरीके से संभाला था। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 53 रनों की पार्टनरशिप करी थी, लेकिन दोस्तों इस पार्टनरशिप को 84 रन के स्कोर पर सद्दाब खान ने ऋषभ पंत को आउट करते हुए भारतीय टीम को चौथा झटका दिया था। और दोस्तों ऋषभ पंत 39 रनों की काफी शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद 45 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 125 रन के स्कोर पर हसन अली ने भारतीय टीम को पांचवा झटका देते हुए रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया था और जडेजा 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको भी 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया और दोस्तों विराट कोहली 57 रनों की काफी शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या भी 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने कुछ अच्छे शॉट खेले और दोस्तों यही वजह रही कि भारतीय टीम ने 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए, जहां भुवनेश्वर कुमार 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इस मैच में शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट झटके, वहीं हसन अली को 2 विकेट मिला था। तो वहीं दोस्तों सद्दाब खान और हरीस रूफ को 1-1 विकेट मिला। और दोस्तों अब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए 152 रन बचाने थे। और वहीं जब इसके बाद पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी। पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तान का स्कोर 13वें ओवर में ही 100 रन के पार पहुंचा दिया था बिना कोई विकेट खोए। और दोस्तों बाबर आजम ने 40 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए थे, तो वहीं मोहम्मद रिजवान ने 41 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान को जीत के काफी करीब ले जा रहे थे और पाकिस्तान को आखिरी 30 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए 31 रन बनाने थे। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान की टीम ये मैच 10 विकेट से जीतने में कामयाब रही और दोस्तों पाकिस्तान की टीम ये मैच 2 ओवर पहले जीती है। और दोस्तों ये भारतीय टीम के लिए काफी बुरी हार है। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो वहीं बाबर आजम भी 68 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे।